ओम नमः शिवाय। किसी को भी करे अपने वश में, इस सरल सी विधि से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। इसमें आपको केवल एक छोटे से मंत्र का उच्चारण करना है और आपको चाहिए थोड़ी सी सामग्री। उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही सरल और शक्तिशाली विधि लेकर आते हैं, जिससे आप स्वयं इस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर संपूर्ण होंगे। इस विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए थोड़ी सी उड़द की दाल। जो काली उड़द होती है, वो थोड़ी सी काली उड़द लेनी है। अपने राइट हैंड में काली उड़द रख लें और इस मंत्र का आपने 21 बार मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद आपने इसे जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं, चाहे वो आपका प्रेमी हो, प्रेमिका हो, जो भी हो, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, उसकी तस्वीर अपने मन में ध्यान करें और उसका नाम बोलते हुए अपने सर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। और उसके बाद आपने इस पर आपने थोड़ा सा सिंदूर लगा लेना है। इस पर सिंदूर आप घेर भी सकते हैं, आप लगा भी सकते हैं। जब आप इन सभी पर सिंदूर लगा रहे हो, तो भी आपने इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। उसके बाद आपने इस पर 3 बार फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद आप इसे मुट्ठी बंद करके आपके नज़दीकी जहाँ पर चलता हुआ पानी हो, वहाँ पर आप जाएं और वहाँ पर जाकर आप इसे उस पानी में छोड़ दें। उसके बाद आपने वहाँ पर जिस पानी में आपने इसे छोड़ा है, उसी चलते हुए पानी में आपने अपने हाथ मुंह धोकर वहाँ से वापस आ जाए, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। और आपने इस विधि को शनिवार के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। कोई भी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करे, क्योंकि ये विधियाँ बहुत ही ज़्यादा कारगर विधि होती हैं। हमारे द्वारा बताई हुई किसी भी विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें, और सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।